मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर, तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में तब्दीली की बातें हैं, तब्दीलियों का जिक्र है, मगर एक बहुत बड़ी तब्दीली और हकीकी तब्दीली नज़र आ रही है तो वो उन रवैयों में है जो हम आला अदलिया में, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहौल में देख रहे हैं। अगर हम इसका मुकाबला गुज़िश्ता साल से करें या 2017 से करें, जब जनाब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हमने इस साल देखी है और उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। वो पहलू हमें आला अदलिया में भी और हाई कोर्ट्स में भी नज़र आ रहे हैं और उसमें भी लग ये रहा है कि आला अदलिया अब मुख्तलिफ हवालों से बहुत ज़्यादा न सिर्फ ये कि मुहतात भी है और उन मामलात में जो कि इससे पहले हमें उस हवाले से एक रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता था, वो भी उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ी उसकी निशानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्ला अदलिया को सियासी तनाज़ात में उलझने से बचाने की मुसलसल कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत से पहलू तही करते हुए आला अदलिया में हर लिहाज से उनके अहकामात, उनके फैसले और उनके मुकालमे एक नई रोशन मिसाल कायम कर रहे हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला का आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए एक के बाद एक फैसला या हुक्म इस बात की अक्कासी करता है कि वो सियासी मामलात में मुसलसल जमहूरियत और पार्लियामेंट को फौकियत देना चाहते हैं और इस सिलसिले में इसका इजहार वो बार बार करते हैं और इसके साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि हर हाल में आईन की फौकियत जो है वो बरकरार रखी जाए। और इसी तरह से हमने देखा कि उनके हालिया फैसलों में इस पहलू पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस थर्मिलन्ना ने कल मौलाना फजलुरहमान के इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च और एहतजाजी धरने को रोकने के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि मैं इंतजामिया हूँ ना आप इंतजामिया हैं, इसलिए इंतजामिया को उसका काम करने दें। मुकामी इंतजामिया के पास दरख्वास्त आई है, उन्होंने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के दो नए अराकीन की तैनाती के केस से मुतालिक फैसला सुनाते हुए जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस मामले को पार्लियामेंट को भिजवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस अथर मिनल्ला ने फैसले में लिखा था कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन कमीशन को गैर फाल होने से बचाएं और हुकूमत और इलेक्शन के माबैन ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। गुज़श्ता साल दिसंबर में जस्टिस अथर मिनल्ला ने शहबाज शरीफ की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था, जो मामला पार्लियामेंट को देखना चाहिए, उसके मुतालिक हम कोई फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके इख्तियारात में किस तरह से हम मुदाखलत कर सकते हैं। दिसंबर में ही जस्टिस अथर मिनल्ला ने जेर हिरासत अराकीन को पार्लियामेंट के इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर पर शिरकत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था कि अगर किसी रुकन को इजलास के लिए जेल से बुलाना पड़े, पार्लियामेंट का जरूरी मामला है कि पार्लियामेंट खुद ही मसले को हल करे। कुछ छः हफ्ते पहले चेयरमैन एफबीआर शंबर जैदी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था जस्टिस अथर मिनल्ला ने और कहा था कि मुल्क को माशी बहरान का सामना है, अदालत मईशत की मौजूदा सूरत हाल का बोझ नहीं उठा सकती, एग्जीक्यूटिव ने कुछ सोच कर ही शब्बर जैदी को चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर किया होगा। इससे काबिल विफाकी टैक्स से मुतसिब मुश्ताक सुखेरा को अहदे पर बहाल करते हुए जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क दिए थे कि जब किसी भी आइनी अहदेदार को हटाने का तरीक़ाकार मौजूद है तो मुतल्लिका फोरम को बाईपास करके सदारती अहकाम से इदारों को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए फेडरल ओम्बड्समैन को उन्होंने रिस्टोर कर दिया था। मिसालें और भी मौजूद हैं, हर लिहाज से एक रोशन मिसाल कायम कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अथर मिनल्ला। मजमूई तौर पे माहौल में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है जो हम गुज़श्ता साल और उससे पहले देखा करते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। खास तौर पे इस पूरे मामले पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही हाईली रिगार्डेड कानूनदान हैं, सीनियर कानूनदान जनाब फैसल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। हमें मुसलसल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आते हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के, बार बार मैं देख रहा हूँ कि उनके अहकामात में, उनके फ़ैसलों में ये कोशिश है कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत ना हो, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत ना हो, आईन की सुप्रीमेसी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और अदलिया जो है वो प्योर जो अदालती मामलात हैं या जो जो केसेस हैं उस तक अपने आप को महदूद रखे। क्या मेरा तासुर दुरुस्त है? जी कामरान साहब, बहुत अरसे से कोर्ट्स जो हैं दो मुख्तलिफ ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं। एक ट्रेंड है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, जहां कोर्ट से कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं जो ओवरलैप करते हैं पॉलिटिकल मामलात पे, उसमें कोर्ट को रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी अप्रोच है जुडिशियल एक्टिविज़म की, जिसमें कोर्ट को ये कहा जाता है कि जब कानून की क्लियर कट वायलेशन हो रही है तो बेशक उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने एक मीडियम अप्रोच अब अपनाई है, जो एक नई अप्रोच है। वो ये है कि वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और जुडिशियल एक्टिविज्म भी। इसकी जो गोया जो आप जो फरमा रहे हैं उसकी एक मिसाल ये है कि वो उन्होंने जो फेडरल एम्बड्समैन है मुश्ताक सुखेरा को, जब उनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उन्होंने रिमूव किया, उन्होंने उनको रिस्टोर कर दिया। शब्बर जैदी का जब मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव का मामला है, इसमें मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो ये आप इस बैलेंस की आप बात कर रहे हैं। अगर आपको रियल बैलेंस देखना है कामरान साहब, तो आपने जिस फैसले का जिक्र किया इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का, उसमें नज़र आता है। ऑन वन हैंड उस फैसले में जो एक इंटरिम फैसला है, उसमें ये क्लियर कट फाइंडिंग दे दी गई है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं दो मेंबर्स की, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये सरप्राइजिंगली फेडरेशन के एडिशनल अटर्नी जनरल ने एडमिट किया। बट कोर्ट वहाँ रुक गया, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया ये डिक्लेयर करके। उसने ये कहा कि ये मामला है, ये जिस तरह अपॉइंटमेंट्स हुई है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया और प्रेस किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, और ये मामला उनके पास भिजवा दिया। तो ये आपको नज़र आता है कि एक बैलेंस क्रिएट किया गया है कि कोर्ट ने जहां कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है उसकी एक फाइंडिंग तो दे दी, लेकिन फिर रुक गया, फिर रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया और वो मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। इसकी वजह ये है कि कोर्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अवॉइड करें, जिस हद तक कर सकते हैं, और एक हद तक तो नहीं कर सकते। जब मगर इसका बीकन फैसल सिद्दीकी साहब सुप्रीम कोर्ट है ना, जहां से ये एक हम माहौल हम देख रहे हैं, जो ज़मीन आसमान की तब्दीली हमने देखी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो ख़ुद इसको इसी माहौल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, या उसको उसका इम्प्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ से आ रहा है हमारे सामने। जी, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की एक डिफरेंट अप्रोच है। वो इन पॉलिटिकल मामलात में रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन हो रही है, और उनका तरीक़ेकार था कि जो उन्होंने स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने आइडेंटिफाई किया तीन ग्रेव क्राइसिस को। नंबर वन, कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो लॉपसाइडेड है, वो पार्टिजान है। नंबर टू, कि जो पॉलिटिकल स्पेस है डेमोक्रेसी के लिए वो कम हो रही है। और तीसरी इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो फ्रीडम ऑफ द मीडिया है वो कंटेल हो रही है, लेकिन वो उन्होंने स्पीच के थ्रू किया। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की, लेकिन ये जो दोनों अप्रोचेज हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट्स को का जो काम है कि जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुकूमत काम करे या इवन पार्लियामेंट काम करे तो उसको रोके, लेकिन फिर एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रही है
कि पार्लियामेंट को मौका दे रही है, हुकूमत को मौका दे रही है कि भाई देखिए अब हमने ये कह दिया है, अब आप प्लीज़ इस मामलात को रिजॉल्व करें और कोर्ट्स को इन मामलात में इन्वॉल्व ना करें। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेज हैं और उसमें ओवर 18,000 केसेस पेंडिंग हैं। देर आर मोर केसेस पेंडिंग इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट देन द इंटायर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान जो उनका हाई कोर्ट है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और ये एक नई अप्रोच है, ये एक बीच की अप्रोच है जो एक बड़ी नॉवल अप्रोच है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खीनन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, मुमताज़ कानूनदान। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सनअतें चले रोज़गार बने, इसके लिए पाकिस्तान में साल हा साल से कोशिशें होती रही हैं, दावे होते रहे हैं। उनमें से एक दावा ये रहा है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब सीपेक के तहत बने हैं और कुछ हमेशा से पाकिस्तान में बने हैं, मगर इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो खसूसी इलाके हैं जो कि सनअतों के फरोग के लिए, एक्सपोर्ट्स के फरोग के लिए बनाए गए हैं, उनका हशर क्या है। कराची के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का हम रुख करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। सनअतों का जाल फैले, रोज़गार पैदा हो और फिर टैक्सेस बढ़े और मईशत का पहिया तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए दुनिया भर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क़याम अमल में लाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि सरमायाकारी और रोज़गार को फ़रोग दिया जाए और पूरी दुनिया में इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तश्कील दिए जाते हैं। हर मुल्क अपने लिहाज से सिलसिले में कवानीन में बनाता है और जोन्स मुख्तस करता है। इसमें सनअतकारों को खसूसी स्पेशल सर्विसेज फराहम की जाती हैं, अक्सर जगह पर टैक्स की छूट होती है या महसूलात में कोई ना कोई कंसेशन मिलता है। माल की नकल हमल के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सड़कों का जाल होता है, प्रॉपर बिजली पानी गैस के कनेक्शंस होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी का निज़ाम होता है और सीवरेज का निज़ाम होता है, सिक्योरिटी के जैसे मैंने आपको कहा पूरा इंतज़ाम होता है और इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फंक्शनल और वाइबल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। पाकिस्तान के माशी दारुलहुकूमत कराची में भी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क और कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क। बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में बुनियादी सहूलतों का अभी फुकदान नज़र आ रहा है, जबकि कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क में सनअतकार कहते हैं कि बिजली बहुत महंगी है। ये दोनों पार्क दहाइयों से काम कर रहे हैं और शुरू से ही इस पर लगता यह है कि उस अंदाज की तवज्जो नहीं दी गई जो कि इसकी ज़रूरत थी। सीरियस बात यह है कि यहाँ पहले से मौजूद इकोनॉमिक जोन्स की सूरत हाल तो ये है, मगर अब सीपेक के तहत बनने वाले नए इकोनॉमिक जोन का जो हाल होगा उससे पहले यकीनी बात यह है कि हुकूमत एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक जोन्स पे फोकस करे और इस सिलसिले में जो मसाइल हैं उनको हल करे। कराची के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से सरमायाकारों और जो सनअतकारों के इश्यूज हैं और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उसमें मसाइल क्या हैं और उसमें प्रॉमिस क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। हैं कवाकब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम आपको बिजली देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे, सनअतकार आएँ और सनअतें लगाएं। हुकूमत ने इन्वेस्टर्स को बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे उनकी ताबीर कुछ और ही निकली। मैं तो ये वादे किए गए थे कि हमें बिजली, गैस, सूवरेज सिस्टम वगैरह, पानी का निकास और पानी की सप्लाई वगैरह, रोड्स, बाउंड्री वॉल सब लगा के दिया जाएगा, लेकिन 3 साल हो गए, हमारी फैक्ट्री तैयार हो गई है लेकिन ये सहूलतें अभी नहीं मिली। हमने बिजली भी लगाई अपने खर्चे से, इलेक्ट्रिक ने 5 करोड़ मुझसे लिए बिजली पहुंचाने के लिए। सुई सदर्न को ऑलमोस्ट हम 1 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जो भी हमें डोरस्टेप पे मिलना था सुई सदर्न को भी हमें पैसे दिए हुए ऑलमोस्ट 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो हम एवरी डे कल करते हैं तो उसकी वजह से हम प्लांट नहीं स्टार्टअप कर पा रहे। ये किसी जंगल या खेत खलियान की पगडंडी नहीं बल्कि कराची में 930 एकड़ वसी बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में खुद ब खुद बन जाने वाला कच्चा रास्ता है। बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बायस यहाँ अब तक 20% हिस्सा आबाद हो सका है। ये बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ इन्वेस्टर्स को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्वाब दिखाया गया था, लेकिन यहाँ तो अब तक सड़कों का जाल तक नहीं बिछ सका है। हद तो ये है कि इस खसूसी मुआशी जोन के सनती इलाके में सीवरेज का निज़ाम तक नहीं है।
कराची के एक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 250 एकड़ वसी रकबे पर फैले कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन है, कुशादा सड़कें हैं, सनतों को गैस भी मिल रही है, लेकिन यहाँ सनतकार महंगी बिजली से परेशान हैं। जब ये पार्क प्लान हुआ तो एक बड़ा अच्छा इनका डिसीजन था कि ये कैप्टिव पावर प्लांट लगाएंगे और गैस से बिजली जनरेट करेंगे और सब्सिडाइज प्राइस पे जो है वो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली गैस की प्राइसेस बढ़ गई, टैक्सेस आ गए और आज जो हम बिजली परचेस कर रहे हैं वो KE का जो रेट है उसे तकरीबन 60% ज़्यादा पे हम परचेस कर रहे हैं और जिससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो काफ़ी बढ़ गई है। वफाकी वजारत सनत व पैदावार के ज़ैली इदारे नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तरक्याती कामों का बेड़ा उठाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। NIP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान भट्टी का कहना है कि बहुत से मसाइल उन्हें विरसे में मिले थे, लेकिन उन्होंने इस इदारे की बागडोर संभालने के बाद तरक्याती काम तेज कर दिया है। माजी में ये निगलेक्शन का शिकार रहे हैं, लेकिन जब से अभी NIP की भी नई मैनेजमेंट आई है, मीनिंग आई टुक चार्ज इन जनवरी, उसके बाद से हमने जो जितना लॉस्ट टाइम था पास्ट का उसे भी मेकअप करने की कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जहाँ तक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इस वक्त आपने जाके देखा होगा वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। जो बुनियादी चीज़ें थी वहाँ पे यूटिलिटीज़ वगैरह की प्रोविज़न का, वो भी हमने अरेंज करवाया है ऑन वॉर फुटिंग्स। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत एक्यूट इशू था जो हमने इनहेरिट किया था, बट अब वो रिजॉल्व हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए बगैर अलॉटमेंट कर दी गई, जो गलत फैसला था। अब NIP तवील मुद्दती बुनियाद पर काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक 64 मेगावाट के ग्रिड के लिए फंडिंग कमिट की है, जो कि इस पूरे पार्क की नीड्स को फॉर टाइम्स टू कम मीट कर जाएगी। इसी तरह से गैस के लिए भी SSCC के साथ हम इन टच हैं और ये भी अर्ली नेक्स्ट ईयर पूरे पार्क की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफ़ी होगी। वैसे तो हुकूमत ने इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सनतों को 10 साल तक इनकम टैक्स की छूट दे रखी है, लेकिन दूसरी जानब फरोख्त पर 1.5% टैक्स लगा दिया है। सनतकार कहते हैं कि कारोबारी लागत में कमी की उम्मीद लेकर इन इकोनॉमिक जोन्स का रुख किया था, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अगर आउटसाइड द SEZ अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है अंडर सेक्शन 65D ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो उसको ये एडवांटेज है कि उसको वो टर्नओवर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम तो इवन उनसे भी डिसएडवांटेज पे हैं, जबकि गवर्नमेंट जिस तरह से SEZ को प्रोजेक्ट कर रही है वो ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा टैक्स एडवांटेजेस इधर हैं। टैक्स हॉलीडे तो है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर 1.5% टर्नओवर टैक्स जो है वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि टर्नओवर टैक्स की जो अमाउंट है वो तकरीबन उतनी ही बन जाती है जितना कि कॉर्पोरेट टैक्स की अमाउंट बनती है। मुल्क में सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही, इस सवाल का जवाब सनतकारों से पूछने से पहले हुकूमत कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमली इकदामात करें। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कौमी सलामती में फैसला साजी के हवाले से अब एक नई जहद का आगाज़ किया जा रहा है, इब्तदा की जा रही है कि इसको, इसमें एक प्रॉपर विजन सामने हो और उसको बनाया जाए जदीद तहकीक़ात से, आलमी तहकीक़ात से, और पाकिस्तान में जो भी इस किस्म का काम होता है उसे एक जगह इकट्ठा किया जाए। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में एक अच्छी इब्तदा हुई है, इसकी बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। पाकिस्तान में कौमी सलामती के उमूर के हवाले से फैसला साजी में बाकायदा एक विजन सामने हो, उसके लिए बैन अल-अक़वामी तहकीक हो, एक एजुकेटेड एनालिसिस सामने रखा जाए, खित्ते के मामलात पर भरपूर तहकीकात हो और फिर उस पूरे मामले को समोया जाए कौमी सलामती के उमूर में और उस पर फैसला साजी के हवाले से। इस सिलसिले में इमरान खान हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है और मुल्की सलामती से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए एक स्ट्रेटिजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल बनाया है, जिसका काम इस सिलसिले में सोच समझ के, तहकीक करके एक पॉलिसी गाइडलाइंस हुकूमत को देनी होगी। ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंदर काम करेगा और इसकी सरबराही डॉक्टर मुईद यूसुफ के हवाले की गई है, जो इसके पहले सरबरा होंगे।
इसके लिए ये सेल जो है, इसके अलावा पाकिस्तान में जो दूसरे इस सिलसिले में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं या थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, उनके काम को भी समोएगा ताकि एक जगह से ये पॉलिसी साज इदारा जो है वो अपना काम कर सके और हुकूमत की रहनुमाई कर सके। इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। स्ट्रेटजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल के क़याम का मकसद हुकूमत को कौमी उमूर से मुतालिक तहकीक पर मबनी पॉलिसी तजावीज़ देना है। स्ट्रेटजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल या SPPC पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए तजावीज़ देगा। यह सेल इंसानी और मौशी सलामती समेत मुख्तलिफ जहतों में मुल्की सलामती की सूरत हाल का जामे जायज़ा लेगा। यह सेल खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी मामला से मुतालिक मुस्तकबिल में पैदा होने वाली सूरत हाल को पेशगी जाँच कर अपनी तजावीज़ देगा। ये ऐसे मसाइल के हल पर भी तहकीक करेगा जिनका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। यह सेल वजारत खारजा के साथ करीबी रबते में काम करेगा और दीगर तमाम मुतल्लिका वजारतों के साथ भी जो कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के उमूर पर काम कर रही हैं। यह सेल तमाम मुतल्लिका वजारतों से मिलने वाली मालूमात का मजीद तज्जिया करेगा और इनसे मुतल्लिक वज़ीर आज़म के ज़ेरे गौर मामलात पर जामे नज़रिया पेश करेगा। SPPC का ख़ास बेस माहिरीन की कौंसिल होगी जिसमें थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटियों और आज़ाद पाकिस्तानी माहिरीन अपनी फिक्री इनपुट देंगे और जहाँ मुमकिन हो इस सेल के लिए तहकीक में मदद भी फराहम करेंगे। स्ट्रेटजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल ज़रूरत पड़ने पर अपना इनपुट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में देगा, साथ साथ ये वज़ीर आज़म को बराह रास्त भी अपनी रिपोर्ट्स पेश करता रहेगा। स्ट्रेटजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल एक आज़ाद बॉडी के तौर पर काम करेगा, ये कौमी सलामती डिवीज़न की हायरार्की में नहीं आएगा और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न माली और इंतज़ामी मामलात में स्ट्रेटजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल की मुआवनत करेगा। वाशिंगटन में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में फेलो पाकिस्तान के मुमताज़ रिसर्चर डॉक्टर मुईद यूसुफ इस सेल के पहले सरबराह होंगे। खबर से ब्रेक, उस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। बहुत ही भरपूर और दिलचस्प अंदाज में सियासी दर्जा हरारत नापा जा रहा है और ये हो रहा है जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन है PS 11 में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील सुमरों का मुकाबला है GDA के मौज़म अली अब्बासी से। मौज़म अली अब्बासी ने ये इलेक्शन गुज़िश्ता साल जीता था, आसानी से वो इलेक्शन जीत गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा निसार खोड़ो की बेटी निदा खोड़ो, जिन्होंने कि उस इलेक्शन में 21,000 वोट हासिल किए थे, उनको शिकस्त दी थी। मौज़म अली अब्बासी ने जब उन्होंने 32,000 वोट हासिल किए थे और कम्फर्टेबली ये इलेक्शन जीत लिया था, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सुखी का सामान था क्योंकि लाड़काना में इलेक्शन हारना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक सियासी एक सबक भी था और एक सियासी बड़ी शिकस्त का सामान भी था। अब इसके मौज़म अली अब्बासी को डीसीट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के नतीजे में उनके एसेट्स के हवाले से, डेक्लेरेशंस के हवाले से, मगर अब ज़िमनी इलेक्शन में मौज़म अली अब्बासी एक नए रिकॉर्ड के साथ दाखिल हुए हैं। GDA की इनको हिमायत हासिल है और उनको दूसरी सियासी जमातों की खास तौर पर JUI की भी हिमायत हासिल है और इस पूरे मुकाबले की बड़ी दिलचस्प खबरें हैं जो कि अब तक हमारे पास पहुंच रही हैं। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आया है, ये तकरीबन 176 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा गैर सरकारी और गैर हतमी हम तक पहुंचा है जिसमें GDA के मौज़म अली अब्बासी आगे हैं, उन्होंने 17,656 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक आने वाले नतज में ये इलेक्शन हार रही है और उसके जमील सूबरों ने अब तक 15,171 वोट्स हासिल किए हैं। अब तक के जो नतज आए हैं जो कि मुकम्मल नहीं है, मगर इसमें वाजह तौर पर लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इस इलेक्शन में पीछे है और GDA के मौज़म अली अब्बासी आगे हैं। इतना संगी, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना सख्त मुकाबला ये है और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की साख और उसकी दिलचस्पी का लेवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले कई रोज़ से बिलावल भुट्टो जरदारी यहीं पे मुकीम है, उन्होंने डेरा डाला हुआ है लाड़काना में
और एक एक चीज़ की वो खुद निगरानी कर रहे हैं, कैंपेन को खुद लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा उसकी साख बचाने का मुकाबला है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसको खुद लीड कर रहे हैं और उन्होंने मुसलसल लड़काना में डेरा डाला हुआ है। कुछ सूरतें एक कठपुतली इत्तेहाद खड़ा करके इनको इलेक्शंस जितवाना चाहते हैं। 17 अक्टूबर को आप सब निकलेंगे और जीतेंगे। आप आज से लेके 17 तक एक मिनट जाया नहीं करना है। 17 अक्टूबर को किसी को घर ना छोड़े, बड़ा तादाद में निकले। सियासी इस शहर के अवाम, PS11 के अवाम धांधली नहीं होने देंगे। धांधली नहीं होगा तो जीत तकदीर की होगी। फिलहाल अभी तक जो नतीजे जा रहे हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इत्मीनान की बात नहीं है, क्योंकि मजीद नतीजे सामने आए हैं और ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे अब 88 पोलिंग स्टेशन के सामने आ गए हैं और फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवार में बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त 88 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक GDA के उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी 20,474 वोट लेके आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो 17,297 वोट्स लेके पीछे हैं। और आप देख रहे हैं कि फ़र्क में इजाफा होता चला जा रहा है और जो नतीजे अभी आ रहे हैं जिसमें तकरीबन 30-40 नतीजे अभी बाकी हैं और ये सूरत हाल किसी सूरत से भी कोई कंफर्टेबल सिचुएशन नज़र नहीं आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जाएंगे हम लड़काना, इस मकाम पे जहाँ पे ये इलेक्शन की इस वक्त सरगर्मी काउंटिंग की सरगर्मी जारी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक दुर्रानी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक दुर्रानी साहब, ताज़ा तरीन बताइएगा खबरें क्या हैं, क्या माहौल है, जो अब तक नतीजे सामने आए हैं उस पर लग रहा है कि GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी आगे हैं और अब अच्छे खासे नतीजे आ रहे हैं। 88 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे आ चुके हैं। जी बिल्कुल कामरान साहब, इस वक्त 88 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतज में जो है तकरीबन 20,000 वोट ले चुके हैं मौज़म अब्बासी और जमील सुमरो इस वक्त 17,000 वोट ले चुके हैं। 138 पोलिंग स्टेशन हैं, 138 में से बाकी के पोलिंग के जो नतज हैं वो आना बाकी हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौज़म अब्बासी की रिहायश पर मौजूद हूँ। यहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, पहले से ही जश्न मनाया जा रहा है। जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो सुबह से 3 बार जमील सुमरो जो कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है 3 बार वो मीडिया के सामने आए हैं और 3 बार ही वो मुसलसल शिकायतें करते हुए नजर आए हैं। कभी उनको पुलिस से शिकायत थी, कभी उनको DRO से शिकायत थी और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने DRO के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। ये जो हलका है ये किस इलाके पे मुश्तमिल है? लड़काना तो डिवीजन है मगर ये हलका जो है वो किस इलाके पे मुश्तमिल है? सर ये हार्ट ऑफ द सिटी लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 20 यूनियन कमेटियों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 15 यूनियन कमेटीज़ यानी तमाम के तमाम शहरी इलाका इस हलके में शामिल है। 15 यूनियन कमेटीज़ हैं लाड़काना शहर की, हार्ट ऑफ द सिटी ये कहा जा सकता है इस हलके को। इस हलके की अगर बात की जाए तो माजी में ये बताइएगा कि लाड़काना शहर का ये मुकाबला है, लाड़काना हार्ट ऑफ द सिटी आप कह रहे हैं वो है। 2018 में पीपल्स पार्टी बुरी तरह से ये इलेक्शन हार गई थी पिछले साल, इस साल भी सख्त मुकाबला है। 4 दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ बैठे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, इसमें इतना मसला क्यों है पीपल्स पार्टी के लिए? क्या यहाँ के लोग जो हैं वो ये कंफर्टेबल सीट नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए? सर 4 दिन से नहीं, बिलावल अभी 4 दिन से हैं, लेकिन जब से ये कैंपेन शुरू हुई है बिलावल कम से कम 10 दिन यहाँ गुजार चुके हैं और आसफा भुट्टो जरदारी तकरीबन 12 दिन लाड़काना में गुजार चुकी है। टफ बिल्कुल है, माजी में कभी इस तरह की सूरतयाल नहीं रही। 93 में एक बार मुर्तजा भुट्टो ने यह सीट जीती थी पीपल्स पार्टी से आज़ाद हैसियत में, उसके बाद 2018 में ये सीट जो है अपोजिशन ने यानी GDA ने जीती थी। यहाँ लेक ऑफ कॉन्टैक्ट का एक बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी से आवाम को यह शिकायत ज़रूर है कि चलें 2008 के बाद लाड़काना की शक्ल ज़रूर बदली है, तस्वीर ज़रूर बदली है, लेकिन उस तरह आवाम को जो है आवाम से
कॉन्टेक्ट पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नहीं है, जिसकी वजह से ये माहौल है। नहीं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाय इलेक्शन हैं, पीपल्स पार्टी 98 सीटें इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हारता भी है तब भी हुकूमत सिंध हुकूमत इनकी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद लाड़काना की आवाम ने अपोजिशन के एक जो उम्मीदवार हैं जो अगर हारते हैं तो जीतते हैं तब भी वो अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद लाड़काना की आवाम ने अपोजिशन के नुमाइंदे को यहाँ मुंतखब करने की तरफ जा रही है। और पीपल्स पार्टी जिसकी 98 सीटें मौजूद हैं, जिसको इस सीट से न उनकी हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद लाड़काना की आवाम जीडीओ को वोट देते हुए नजर आ रही है। हम आएंगे जी साहब आपके पास वापस, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये बहुत ही सीरियस मुकाबला है पीपल्स पार्टी की सियासी साख का। लाड़काना शहर की ये सीट है, कल्ब लाड़काना का ये मुकाबला है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये ज़िमनी इलेक्शन हारती हुई नज़र आ रही है। कम अज़ कम उसके वोट अभी काफ़ी मीनिंगफुल कम है, और जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत पोलिंग स्टेशन हैं उनके गैर सरकारी गैर हतमी नतज आ चुके हैं। 138 पोलिंग स्टेशन में, 88 पोलिंग स्टेशन में जी डी ए के उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी 20,474 वोट लेके आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुबनों ने इस वक्त 17,297 वोट हासिल किए हैं। पूरे नतज आना बाकी हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नतज आना बाकी हैं, मगर बहुत टेंस माहौल है इस पूरे हल्के में, जो कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही कलीदी मुकाबला है। और जैसे कि मैं आपको बारह बता चुका हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी इसके लिए कई रोज़ से मुसलसल यहाँ मुकीम है, और जब से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है वो मुसलसल यहाँ पे बराह रास्त काम कर रहे हैं। उनकी हमशीरा आसिफा भुट्टो भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। हुकूमत सिंध है, सिंध की हुकूमत, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनकी अक्सरियत सूबाई असम्बली में है, और जाहिर है कि ये लाड़काना का शहर है, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस अंदाज़ का ये मुकाबला हो रहा है, सियासी टेम्परेचर इस वक्त है लाड़काना का ख़ास तौर पर, और फिर उमूमी तौर पर सिंध का किस जानिब आगे बढ़ रहा है, और इस अब तक के जो नतज सामने आए हैं वो यकीनन इस बात की इशारा कर रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये हालात जो हैं वो 100% पीपल्स पार्टी के काबू में नज़र नहीं आते हैं, और जो हवा है वो इस वक्त कम अज़ कम बहुत सख्त माहौल की इतला देती है, बहुत ही टेंस मुकाबला चल रहा है। किसी सूरत में भी एक कंफर्टेबल मुकाबला नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के लिए और ना ही जीडीए के मौज़म अली अब्बासी के लिए, लेकिन बहरहाल उनकी लीड इस वक्त काफ़ी आगे नज़र आते हैं वो इस 88 पोलिंग स्टेशन के नतीजे में। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लाड़काना ही जाएंगे, जहाँ पर जीडीए के उम्मीदवार जो कि इस मुकाबले में इस वक्त आगे हैं मौज़म अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म अली अब्बासी साहब, बताइएगा आपके पास क्या इत्तला आ रही हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतज जो 88 पोलिंग स्टेशन के हमारे पास आए उसमें लग रहा है कि आपके पास तकरीबन कोई 3,000 वोट्स की लीड है, आपके पास क्या इत्तला है? शुक्रिया कामरान साहब, अपना पहले तो आपका शुक्रिया, और जो आपने मैं समझता हूँ कि वो सारे इस अपने इलेक्शन पे किया अपना पूरा तजिया, तो इस वक्त हमारे पास 88 आप बता रहे हैं आपके जो है यहाँ पे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, तो अभी हमारे जो इसमें आया है अपना इलेक्शन सेल में वो तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन तक आ गए, तो मैं समझता हूँ 100 में हमारी तकरीबन 5,000 से ज़्यादा की लीड है, और पीछे 38 पोलिंग स्टेशन हैं वो भी एजेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग भी अपने रिजल्ट्स लें, फॉर्म 45 लें, और 2018 के दिन में कई बार बिलावल भुट्टो ने और जो आपके मुखालिफ हैं जमील सुमरो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शफाफियत नज़र नहीं आ रही, उनको जो है वो मुदाखलत नज़र आई है, क्या वजह है इसकी? मैं कामरान साहब, हुकूमत सिंध भी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका, फिर क्या शफाफियत नहीं नज़र आई? मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बिलावल जदाई साहब ने परसों एक आया उनका बयान कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट पे उन्होंने एतराज़ किया, तो हम लोगों ने अपना फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लड़का ने अवामी इतिहाद के हमारे जो रहनुमा हैं सारे, उन्होंने यही उसके ऊपर कमेंट किया कि 2018 की जो आपकी जनरल इलेक्शन हैं जिसमें वो मैंडेट क्लेम करते हैं सिंध में, तो उस वक्त वो आर्मी डिप्लॉयमेंट आर्मी के अंडर सुपरविजन हुआ, तो उस वक्त तो उनको एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन आज एक अपना ज़िमनी इंतखाब है, बाय इलेक्शन है, और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से सिंध गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी एक महीने से लाड़काना में हर वज़ीर हर MNA हर MPA चीफ मिनिस्टर बिलावल जरदारी खुद अपना आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा पूरी उनकी टीम, मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोग जो उनके पूरे सिंध से और पाकिस्तान से वो इधर थे, तो इस सारे इन्फ्लुएंस के बाद धांधली भी अगर हम लोग करते हैं जो अपोजिशन वाले हैं,
तो मैं समझता हूँ ये तो फिर उनको सोचना चाहिए। एज एन आउटसाइडर और एक एज एन ऑब्जर्वर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़काना है, ये 11वां साल है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत की, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत हुई, दो तीन बार और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उसमें फिर मुकाबले की क्या बात है? और इतना सख्त मुकाबला 2018 में तो आपने कम्फर्टेबली जीता था ये, और ये लड़काना शहर के अंदर जो है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये इतना। मैं समझता हूँ जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी ग्रैंड मदर डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी साहिबा वो डिप्टी स्पीकर रहीं दो दफ़ा, हम लोग सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ रहे। मेरे चचा डॉक्टर सफदर अब्बासी वो सेनेटर रहे पीपल्स पार्टी से। मेरे वालिद 6 दफ़ा एमपीए रहे, मिनिस्टर रहे अपना पीपल्स पार्टी से। 2013 में हम लोग पार्टी से अलग हुए अपना, और उसके बाद जो 2013 का इलेक्शन था वो हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े, वो कुछ वोटों से या कुछ उससे हम लोग रह गए। फिर जब 2018 का इंतखाब आया उससे पहले लड़काना अवामी इत्तेहाद के तहत मुख्तलिफ जमायतें जिसमें JUIA है अपना, फंक्शनल लीग है, लोकल PTI के दोस्त हैं जैसे अपना आमिर बख्श भुट्टो साहब हैं, अपने अला बख्श उनर साहब हैं, दूसरे हमारे हाजी अल्ताफ उनर साबिक जो वज़ीर अपना रेवेन्यू के थे, उनके बेटे आदिल खान और अदनान खान, तो ये लोकली या मुख्तलिफ जो हमारा लड़काना अवामी इत्तेहाद। फिर उसके बाद इस दफ़ा या पिछली जो इस इलेक्शंस में था MMA का पूरा सपोर्ट था, इस इलेक्शंस के अंदर जो एक माहौल बना हमारा तो उसमें ये है कि टोटली जितनी भी लड़काना की सियासी समाजी इवन कॉम्परस जो दोस्त हैं जो इस पे बिलीव नहीं करते इलेक्शंस पे, जैसे हमारे सनान कुरैशी साहब हैं या दूसरे हैं, तो इस वक्त उन सब का सपोर्ट, सबके दोस्त, हम लोगों ने एक जॉइंट बना के प्लेटफॉर्म और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन लड़ा। और लड़काना के अवाम पहले ही इनसे बेजार हैं, लेकिन जो 14 महीने अभी बिलावल ज़दाई साहब खुद इस हल्के से MNA हैं, ये जो अभी हल्का है, तो इस 14 महीने में तो उनको लड़काना याद नहीं आया, इस 14 महीने में उनको लड़काना आने याद नहीं हुआ, ना कोई सेहत के हालात ख़राब हैं, यहाँ तालीम के हालात ख़राब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। सब बिल्कुल आपसे हमारी कोशिश थी कि हम जमील सुमरू साहब को भी लेते मगर उनसे रब्ता हमारा नहीं हो सका है, मगर ये मुकाबला जारी है और जिसमें GDA के उम्मीदवार आगे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर फ़िलहाल इस मामले में शिकस्त होती नज़र आ रही। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में बैरूनी सरमाया आया, ये पाकिस्तान की बहुत शदीद ज़रूरत है बैरूनी सरमाया कार जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान में दिलचस्पी है इस हवाले से, उसका एक भरपूर जायज़ा लेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए और कितना एतमाद है बैरूनी सरमायाकारों को हुकूमत पर, ये सब कुछ हमें बताएंगी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों की तंजीम ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट और यूनिलीवर पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाजिया खान हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्त के बाद। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में ये तरजीह है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया तेज तर चले, कारोबार का पहिया तेज तर चले और इसके लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है मगर सब कुछ बुरा भी नहीं है, हालात में बेहतरी के इम्कानात नुमाया हो रहे हैं और बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं और यकीनन ये वो वक्त है जो पाकिस्तान एक मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान के माशी जो आशारिये हैं वो यकीनन टफ़ हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान IMF के एक प्रोग्राम में भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत में हमें डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन की एक फ़ज़ा बन रही है और लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि वो दस्तावेजी मईशत की जानिब बढ़े, वो टैक्सेस दें और इसी माहौल की वजह से कुछ सख्ती नज़र आ रही है मगर इसी माहौल की वजह से मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। इसीलिए ख्याल यही है कि पाकिस्तान की मईशत एक बेहतर रुख की जानिब चलना शुरू हुई है और इसमें सबसे अहम बात यह है पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि जब मुल्क की मईशत मजबूत हो, पाकिस्तान की मईशत के मुस्तहकम स्ट्रक्चर पे खड़ी नज़र आए, हमारे स्ट्रक्चर इस्लाहात हो जाए, उसके बाद बैरूनी सरमाया किसी सूरत से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को अशद शदीद ज़रूरत है एक जानब कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े और दूसरी जानब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए। पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी की जितनी ज़रूरत आज है शायद इससे पहले इतनी शदीद ज़रूरत नहीं थी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कलीदी मामला है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ, पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली हो, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स को मुनाफे बनाने का मौका मिले और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स आने से पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ सहल हों और पाकिस्तान
पाकिस्तान में रेवेन्यूज बढ़े। ये सारा माहौल बहुत ही कलीदी है और इसके लिए हुकूमत और माहरीन की राय जानना ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन हमें जानना होगा कि खुद जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान के हवाले से कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, और इस हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूदा माहौल है उसमें उनको क्या मसाइल नज़र आते हैं, और पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है कि बैरूनी सरमायाकारी को मज़ीद अट्रैक्ट करे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवालात हैं और इनका जवाबात ढूंढने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों की तंजीम यानी कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट मोहतरमा शाजिया सैयद, जो पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं यूनिलीवर की। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया सैयद साहब, आपने हमने ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए जो पाकिस्तान जो फॉरेन इन्वेस्टर है इस वक्त, वो पाकिस्तान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो इस वक्त एक्साइटेड फील कर रहा है मौजूदा हालात में, वो फियरफुल फील कर रहा है यानी कि उसको खौफ है, या उसमें एक्साइटमेंट है, या कॉशियस है, मोहतात है, क्या जनरल इस वक्त परसेप्शन क्या है उन लोगों का जिनको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? सो थैंक यू, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मुल्क में हालात करंटली बुरे हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। हम लोग एज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत क्लियर हैं, हमारी नज़र इस मुल्क पे जो है वो इस तरह से है कि ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, क्लियरली इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो 200+ मिलियन की ये पॉपुलेशन है, ह्यूज 80 मिलियन की आपकी मिडिल क्लास है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, यंग पॉपुलेशन है, आपके 70% आर अंडर द एज ऑफ अबाउट 25, सो अपॉर्चुनिटी बहुत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब एक मुल्क में आते हैं तो इस कमिटमेंट से आते हैं कि इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन बेस्ड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म व्यू जब लेकर आते हैं, सो लॉन्ग टर्म में क्लियरली अपॉर्चुनिटी बहुत है। अच्छा, अब जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है या जो फॉरेन, आप यूनिलीवर या PNG और दूसरे आप लोग तो दहाइयों से यहाँ पर, डेकेड से यहाँ पर, लेकिन जो नया आ रहा है, आपने यू वेंट थ्रू थिक एंड थिन, यहाँ पे एक ज़माने में टेररिज्म थी, यहाँ पे अनरेस्ट था, यहाँ पे बहुत ही बुरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसके अलावा फिर यहाँ पे हमने देखा कि अब हम जो हैं उसको हमने यानी कि विन किया है, काफ़ी हद तक हम उसमें बेहतर हो गए हैं, फिर हमारी इकोनॉमी जो है ये अब आप देख रही हैं कि पहली बार ऐसा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन की जानिब जा रहे हैं, हम टैक्सेशन की जानिब जा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये माहौल जो है डज इट प्रॉमिस मोर, ये आपको मज़ीद आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये एक एडेड अट्रैक्शन है? सो जहाँ हम बैठे हैं हमारे पास एज एन ओवरसीज चेंबर पहला दरवाज़ा जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो नॉक करते हैं वो हमारे दरवाजे पे नॉक करते हैं, और हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सी फॉरेन मिशंस आते हैं उनके, क्लियरली इस वक्त जो दुनिया में आप देखें वाइट स्पेस के लिए लोग हंग्री हैं और पाकिस्तान इज़ क्लियरली अ वाइट स्पेस, जो उनका सवाल है जो उनको अभी आंसर्स नहीं मिले हैं वो ये है कि दे नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन उनको जॉइंट करने हैं डॉट्स, उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है मगर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है वहाँ पर उनको इतनी क्लैरिटी नहीं है। गोया के उनको एक विंडो चाहिए, उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए और एक गवर्नमेंट की अश्योरेंस चाहिए और एक एक तरह का उनको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हमारे पास उसका एक डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इज दैट नॉट इनफ? सो आई थिंक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेटली एक्टिव हुआ है, वहाँ पर काफ़ी अरसे से वो इतनी एक्टिविटी नहीं रही है, सो आई वी आर होपफुल और हमने काफ़ी गवर्नमेंट को ये बोला है कि BOI का एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है। इवन हम लोग एक एज ओवरसीज चेंबर हमने एक सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस, बिकॉज हम लोग इधर पाकिस्तान में 200 कंपनीज़ हैं, हमारे हेड ऑफिस पूरे यूरोप पूरे वर्ल्ड में हैं, सो हमने कहा था कि हमारे इफ़ वी कैन होल्ड दैट होस्ट दैट, तो वो बड़ा इंकरेजिंग है कि बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, वो कुछ वजूहत के उस वक्त प्रॉब्ली मुश्किल हालात ज़्यादा थे, लेकिन आई थिंक वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए। आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की, हमारा विजन इस वक्त क्लाउडेड है बाई वॉट इज़ हैपनिंग नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आप कह रही हैं कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर जो है उसको वाइट स्पेस चाहिए, यानी कि क्योंकि दुनिया में स्क्वीज़ हो गए हैं प्रॉफिट्स और स्पेस कम है, कंपटीशन बेपनाह है, पाकिस्तान में आपको जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है, इतना कंपटीशन नहीं है, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं,
तो बेपनाह पोटेंशियल है हम, और उस पोटेंशियल को अब हमें हार्नेस करना है किसी सूरत से, हमें उन लोगों को लेके आना है। और आपने कहा कि एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्वेरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अब फौरी तौर पे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुन रहे हो तो एज ए हेड ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टर्स आप पहला मशवरा क्या होगा आपका? आई थिंक पहला मशवरा होगा कि क्लियरली उनको आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि अगर आपने ये बिज़नेस करनी है तो यहाँ पर किस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से वो एंटर करें, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, फ्री जोन्स क्या उनको, इनके इंसेंटिव्स क्या हैं। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ये कर सकते हैं, चाहे उनकी एंट्री है, वीज़ाज़ हैं, फैसिलिटेशन वहाँ पर काम हो भी रहा है, लेकिन आई थिंक हमारे मुल्क में अभी इस वक्त बिज़नेस जो करना है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो बिज़नेसेस आती हैं बाहर से जो देखते हैं वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि मे बी जॉइंट वेंचर्स कर लें, ग्रीन फील्ड की तरफ वो ज़रा डरते हैं आते हुए, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्सिटी उनको समझने में टाइम लगता है। सो आई थिंक वो कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम जिसको हम लोग जो करंट लोग हैं, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो सबसे अच्छा, समझ में आ रही है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है जिसमें कि आगे जो अब जब इंडेक्स आएगा, जो करंट इंडेक्स आएगा, उसमें शायद पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर होने की कुछ खबरें हैं, कुछ एफर्ट्स भी हो रही हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन हो सकता है जी। और यही एफर्ट्स जो हो रहे हैं इनको एक तो यू नो ये बहुत पॉजिटिव एफर्ट्स हैं, हम लोगों ने आई थिंक अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हिस्ट्री में देखें ये एफर्ट्स नहीं देखे, सो फ्रेंकली फुल क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। अगर आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप ये फरमा रही हैं कि जिस तरह की एक ड्राइव है, जो कोशिश है कि सिंप्लीफाई किए जाए, फैसिलिटेशन दी जाए, आप कह रही हैं आपने देखा नहीं कभी जितनी इसमें सिंसियर एफर्ट हो रही है। डेवलपिंग कंट्री में समहाउ अगर आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड करप्शन हैंड इन हैंड चलती है, लेकिन आई थिंक ये जो क्लीन ड्राइव चल रही है ये बड़ी पॉजिटिव है, बिकॉज व्हाट फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर कहता है कि वो क्लीन उसको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होता है। सो जब हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो कि हम लोग जो एस्टिमेट करते थे कि ऑलमोस्ट इतनी बड़ी है जितनी डॉक्यूमेंटेड है, जब ये डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो आई थिंक दिस प्लेंटी ऑफ रूम फॉर लॉट ऑफ अस। हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपकी जाहिर यू आर ग्लोबल लीडर और आप जाहिर है कि आप CEO हैं यूनिलीवर की भी, कि जी के मसले ये हैं कि जब आप नीचे जाते हैं डाउन द लाइन सप्लाई चेन के अंदर, और फिर तो वो अब गवर्नमेंट कहती है डॉक्यूमेंटेशन करो, तो वो NICs मांग रही हैं, तो बिजनेसमैन हमें कहते हैं जी बड़ा मसला है ये तो हो नहीं सकता है, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि इस पर कोई रिलेंट नहीं करें, आप हर सूरत में इसको फोर्सफुली लेके चलाएं, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो वो बेहतर हो जाएगा। आपका क्या फीडबैक? सो हम बहुत क्लियर हैं, आई थिंक ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टोटली फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें बहुत मुश्किल वक्त है। क्लियरली जब शुरू हुए थे तो तकरीबन 10% भी ट्रेड नहीं थी, जब हम मार्केट में जाते थे तो हमें 10% ट्रेड भी खुली नहीं मिलती थी, बट क्योंकि ये राइट डायरेक्शन है और क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है और दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, हमारी यू नो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि इसमें पीछे नहीं हटना, एंड वी आर कम्प्लीटली विद द गवर्नमेंट ऑन दिस। और इसमें क्रिटिकल ये है कि जब हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो ये बीच में कहीं ब्रेक ना आए, कहीं डुअल मैसेजिंग ना आए, एंड आई थिंक दैट्स वी आर कंटिन्यूइंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, अब ये जो ड्राइव चल रही है, पर्टिकुलरली ये ड्राइव जो चल रही है कि हम इकॉनमी को क्लेंस कर रहे हैं, ये यू नो बेनामी अकाउंट्स ख़त्म हो, लोग डॉक्यूमेंट करें, अपनी बुक्स को क्लीन करें, और एक बुक हो, चार बुक्स दो, दो बुक्स ना हो, अच्छा ये मैसेज बाहर भी जा रहा है, ये जो बाहर के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी पता है कि पाकिस्तान में किस किस्म की ड्राइव जा रही है? यू नो जो हमारे हम अपनी एग्जांपल दे दें कंपनी की, आई थिंक बड़े पॉजिटिव मैसेजेस बाहर जा रहे हैं अभी। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, आई थिंक इसको ये चीज़ अभी जर्नी स्टार्ट किया और इसको यू नो सही यही होगा कि इसको हम समझें कि ये बहुत मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं और ये इतनी जल्दी हल नहीं होगा, वी हैव टू स्टे द कोर्स, लेकिन बाहर ये मैसेजिंग बहुत क्लियरली पिकअप हो रही है, एनालिस्ट पिक कर रहे हैं, एंड इट्स सीन इज़ वेरी पॉजिटिव यू नो। और अगर आप ये सोचें कि अभी एट दिस स्टेज अगर ये है और अगर ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाए, सो हालांकि ये जो पूरा माहौल है इसने ओवरऑल इकॉनमी को श्रिंक किया है, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और जाहिर है कि कंज्यूमर इंथ्यूजियज़म हमें नज़र नहीं आ रहा है और लोग जो हैं उनकी मुठियाँ बंद हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, और आप जैसी कंपनीज़ के लिए ये जो है वो ज़ाहिर है उस पर सेल्स पे प्रेशर आता है, तो यू आर नॉट वरीड ऑन दैट काउंट? देखिए आई थिंक इट इज़ ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही मैं, और ये कहना गलत यू नो गलत होगा कि हम लोग इसको ये इम्पैक्ट फील नहीं कर रहे। आई थिंक हमें इम्पैक्ट शेक तो कर रहा है क्योंकि क्लियरली हमने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बट हम लोग यू नो
देख रहे हैं और होपफुल हैं कि ये हम लोग स्टे करेंगे कोर्स और ये चीज़ें जो हैं इन द राइट डायरेक्शन कंक्लूड होंगी और इसके बाद इसका जो फल होगा उसमें हम यू नो वो भी इंजॉय करेंगे. सो आई थिंक हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं. एट द इन द सेम टाइम हम थोड़े से एंक्शस तो हैं क्योंकि बिजनेसेस के इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ऑब्वियसली वी आर होपफुल के वी आर. मगर एट द सेम टाइम जब इवन पाकिस्तान के जिस पोटेंशियल की आप बात कर रही हैं वो रिफ्लेक्ट भी हुआ है, चाहे वो आप हो, आई मीन यूनिलीवर हो, दूसरे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हो, पीएनजी हो, दूसरे हमारी एफएमसीजीज़ जो हैं वो हैं, तो जो ग्रोथ हमने देखी है बुरे ज़माने में जो कि पूरा ज़माना था, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, नॉन डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, वो फेब्यूलस थी. तो अगर ये चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं और आपको एक पीसफुल जैसा पाकिस्तान आज आपको नज़र आ रहा है तो आई एम श्योर कि फ्यूचर तो आप लोग बहुत ही प्रॉमिसिंग देख रहे होंगे. सो आई थिंक अगर पाकिस्तान को देखें एंड थिंग्स गो वेल, आई थिंक यू नो इंडोनेशिया से हम यूनिलीवर को अगर देखें हमारा बेंच मार्क होता है द साइज ऑफ बिजनेसेस, आर बिजनेसेस इन इंडोनेशिया, जहाँ पर लिटरेसी लेवल भी बढ़ता है, जहाँ पर साइज ऑफ बिजनेस द इकॉनमी द जीडीपी. सो आई थिंक अगर ये जर्नी हमारी सही डायरेक्शन में जाए तो वी शुड टारगेट मिडिल इनकम स्टेटस, यू नो इन द आई कांट पुट अ टाइमिंग टू इट बट क्लियरली. अच्छा आप लोग आर यू वरीड क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यू लुक एट द रिटर्न्स कि जी कि इसके हमें मुनाफा क्या होगा. और जब आप फिगर्स देखते हैं वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, जी की जो जीडीपी ग्रोथ है अगले साल जो होगी 2.4 होगी या 2.5 होगी और ये वो, विच इज़ क्वाइट, मतलब वो जाहिर है कि वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट आप अपने तौर पे भी बिलीव करते हैं कि ऐसी रहेगा या ये हालात आप देख रहे हैं कि ये इसके चांसेस है कि हम बीट करें इन प्रोजेक्शंस को? सी हमारी बिजनेसेस तो बीट करती हैं, जीडीपी का हमेशा डबल या ट्रिपल होते हैं हम लोग. सो क्लियरली हम आए रखते हैं बट वी हम बुलिश होते हैं बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वी आर हंग्री फॉर ग्रोथ एंड वी सी प्लेंटी ऑफ ग्रोथ. सो यस इट्स मच मोर डिफिकल्ट नाउ बट उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी को भी रोबस्ट होना ज़रूरी है. अब जो मसाइल हैं जो कि जिनको आपने जो कि गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और जिनको के प्रायोरिटाइज करके उनको उनके रिमूवल के लिए, उनको डिमिनिश करने के लिए एफर्ट हो, तो वो क्या है चीज़? सो आई थिंक देखें राइट नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि हम लोग ज़रूरी ये है कि इस वक्त जो मनी ऑन द टेबल है उसको ज़ाया ना करें. मतलब इसका क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो हमारी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको ईज़ करना चाहिए. हम लोग हैं, हमारी जो यूनिलीवर की कंपनीज हैं वो दो बहुत कंट्रीज़ में, वियतनाम हम लोग बेंचमार्क पिक करते हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट वो दे आर यू नो बेसिकली उनकी जो रेवेन्यू है कंट्री जो कंपनी का वो 50% और मोर एक्सपोर्ट से आता है. सो उसका रीज़न क्या है, वहाँ पर कंट्री रिकग्नाइज करती है कि ये माहौल यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है वो उसका एफर्ट जो हो वो ग्रोथ की तरफ हो, ना सिर्फ फॉर्म फिलिंग. या फिर इस वक्त अगर आप देखें हमारे टैक्सेस कितने ज़्यादा हैं, हम इधर से उधर प्रोविंसेस के भाग रहे होते हैं कि जी हमें एक प्रोविंस कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ निकाल दें क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है, फिर दूसरा प्रोविंस हमें कहता है कि आप ये इंग्रेडिएंट निकाल दें, जबकि ये ग्लोबल रेसिपीज़ हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं. सो हम यू नो हम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑब्वियसली वो जो ग्रोथ और जो हम टाइम खर्च कर सकते हैं ग्रोथ की तरफ वो हमारा इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में वेस्ट हो जाता है, प्लस वो रेगुलेशन के ऊपर रेगुलेटरीज जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हो जाता है. इंडिया को आप देखें मुल्क के अंदर तो आपको एक बहुत बड़ा के ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मिल रही है मुसलसल, लेकिन आप जैसी कंपनीज जो हैं या दूसरी कंपनी जो हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे जैसे मुल्कों में, यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी करती हैं और यूनिलीवर या दूसरी जो आप जैसे कंपनीज हैं कि वो यहाँ पे उनका एक ऐसा उनको फैसिलिटेशन हो या उनकी ऐसी पोजीशनिंग हो कि वो यहाँ से ग्रोथ कर सके, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. वो हुकूमत की वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुकूमत को क्या करना होगा? सो आप ये कह रहे हैं कि हमें एज फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सपोर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे जो प्रोड्यूस करती हैं तो वो तो यहाँ की लोकल मार्केट तो है, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज. सो ये सवाल हम अक्सर गवर्नमेंट हमसे करे कि हाउ कैन यू हेल्प अस इन, तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इज़ वन एरिया
But I think there's another definition that, you know, one is import substitution. I think hum log global best practices yahan la sakte hain, research la sakte hain, global, you know, sare jo hain aapke, jisse aapke ye import substitution hogi. Aap dekh rahe hain ki ab logon ki, you know, people are going to be forced to change their habits because aapki cheezein wo jo imported चीज़ों के आदि थे वो चीज़ें अब नहीं मिलेंगी. तो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की, जिसके लिए हमारे पास इस वक्त कैपेबिलिटीज़ नहीं है. तो वो जो है वहाँ पर हमारी जैसी कंपनीज, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं. और आप ओवरऑल पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि रिटेल सेक्टर में भी पिछले 2-3 साल के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है. नई कंपनीज हम देख रहे हैं जो इस तरह से पहले उस अंदाज की कंसोलिडेशन नहीं थी. ये जो मॉम एंड पॉप शॉप्स की जगह अब बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं. इस सेक्टर की ग्रोथ आप कैसे देखती हैं ओवरऑल? इस सेक्टर की ग्रोथ 2-3 साल पहले बहुत तेज़ी थी इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमरिज्म से लिंक्ड है. आप छोटे छोटे शहरों में भी देखें तो मॉल्स नज़र आ रहे थे जो बन रहे थे, और सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन था. थोड़ा सा डैम्पन हुआ है क्लियरली, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इस वक्त यू नो वो अपनी जो मंथली ग्रोसरीज को ही मैनेज करने में ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो राइटली सो. बट क्योंकि ये यंग जनरेशन है, connected with all the trends, so I think it's a matter of you know, we need to just join the dots. Employment opportunities बढ़ेंगी और ये पैसा वापस आएगा. तो ये बताइएगा कि at the overseas investors, जो आपका chamber है, जो आपको बाहर से queries आ रही हैं, जो सवाल पूछते हैं, लोग इंटरेस्ट शो करें, सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है? सो आई थिंक ऑयल एंड एनर्जी दो क्लियर सेगमेंट्स हैं, बट अक्रॉस आ रहा है. फॉर FMCGs में भी बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, टूरिज्म में बाहर से कंपनीज एवेल्यूएट कर रही हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू नो. सो आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट नीड्स टू सॉर्ट ऑफ. अच्छा, शिकायत क्या है आपकी हुकूमत से इस वक्त? सबसे बड़ी शिकायत आपने इतनी इनकी हिम्मत अफजाई की है, उनकी कुछ बताएं ना कुछ. आई थिंक शिकायत से ज़्यादा हमारी एडवाइस ये होगी इसके अंदर कि थोड़ा सा, एक तो ये कि जो फॉरेन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इशू भी है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर. वी आर एज फॉरेन इन्वेस्टर्स, एज कंपनीज, हम पाकिस्तानी हैं बेसिकली. आई थिंक वी आर हेयर to invest in the country. There is, and we are the, जैसे कहते हैं हम लोग उसको वो देखते हैं. यूनिलीवर फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान जब से बना है उससे हम लोग हैं यहाँ पर. सो जो बाहर से कंपनीज़ हैं वो हमें देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि अगर आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है. सो वी आर नॉट समबडी जो कि सिर्फ प्रॉफिट बाहर मुल्क के भेज रहे हैं. वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सलेंस लेकर आ रहे हैं, स्किल्स लेकर आ रहे हैं. सो आई थिंक इस नज़र से अगर हमें थोड़ा सा इंकरेजमेंट दी जाए. इंकरेजमेंट जी. एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि आप एक पाकिस्तान के मिडिल क्लास फैमिली में आप पैदा हुई, आपने यही तालीम की, फिर आप मैनेजमेंट एंट्री थी आपकी यूनिलीवर में. यू हैव माशाल्लाह बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द यूनिलीवर एंड यू हैव बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लीडर. जो ख्वातीन के लिए पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं, लेकिन आप बताएं कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी ख़वातीन, क्योंकि हमारे लिए इकॉनमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो इसमें भरपूर अंदाज में शरीक हो. सो ये जो जेंडर बैलेंस की बात होती है ये एक बिज़नेस केस है क्लियरली. इट्स नॉट जस्ट यू नो, जब आपके पास बहुत सारे बैलेंस होगा ऑफ ओपिनियंस एंड बैलेंस होगा ऑफ माइंडसेट, तो वहाँ पर बिजनेस फ्लरिश करेगी. सो इट्स नॉट जस्ट कि हम कहते हैं कि नहीं जी औरतों के राइट्स हैं इसलिए आप लेकर आएँ. वुमेन कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू. इस सिलसिले में अभी ओवरसीज चेंबर की तरफ से हमने एक वाइट पेपर भी गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है. वाइट पेपर इज़ बेसिकली अ गाइडलाइन बेस्ड ऑन आर ओन एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप ये जेंडर बैलेंस ऑर्गेनाइजेशंस में ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या हम कंपनीज के पास हरासमेंट पॉलिसीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंपल थिंग्स लाइक बाथरूम्स फॉर वुमेन. सो आई थिंक वहाँ पर एक रोल गवर्नमेंट, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल इफ़ यू वांट टू एक्सेलरेट दिस जर्नी. तो ये चीज़ें हम अगर रेगुलेट कर लें साथ साथ कि जहाँ पर ख़वातीन हैं वहाँ मेक श्योर करें कि बेसिक हाइजीन हो ऑफ हैविंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ औरतों के लिए उनके हरासमेंट पॉलिसी इन प्लेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो. इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं.
बहुत तेज़ी से। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था आज से 30 साल पहले और उस वक्त जो माहौल था, आई थिंक उससे हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। आज आप देखें कि बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। अब लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर है कि बोर्ड में ख़वातीन होनी चाहिए, जहाँ मैंडेट किया जाता है वहाँ पर तेज़ी से जर्नी बढ़ती है। सो आई थिंक हमें अब थोड़ा सा मैंडेट करना है और इस डिस्कशन से निकलना है और एक्शन की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया सैयद हमारे साथ मौजूद थी, प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार हैं, उसकी अंजुमन की सरबरा हैं और यूनिलीवर भी पाकिस्तान में हेड करती हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मुनाफे देखने हो तो बैंक्स के मुनाफे देखें, उनकी चांदी है और जो रिजल्ट्स बैंकों के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बैंकों का कारोबार इस वक्त आसमान पर जा रहा है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत सबसे बड़ी बोरोअर है, सबसे ज़्यादा बैंकों से कर्जा हुकूमत ही ले रही है और 14-13% मुनाफा देती है बैंकों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरत हाल है जो कि तश्वीशनाक भी है किसी पहलू से, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान में वैसे तो इस वक्त माशी सख्ती का सामान है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है इकॉनमी की, टैक्सेस की तरफ हुकूमत की तवज्जो है, शरह सूद बढ़ी हुई है, मगर इस पूरे माहौल में अगर एक सेक्टर जिसके वारे न्यारे नज़र आते हैं तो वो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स हैं, जिनके मुनाफे ज़बरदस्त अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और हर लिहाज से उनकी पाँचों इंगलियाँ घी में और सर कड़ाई में हैं, बिल्कुल मज़े हैं बैंकों की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त कर्जे लिए जा रहे हैं, बैंकों से ही कर्जे लिए जा रहे हैं और कमर्शियल बैंक बग़ैर कुछ किए, हींग लगाए, फिटकरी लगाए बग़ैर ये हुकूमत उनसे बोरो करती है और कमर्शियल बैंक को ज़बरदस्त इंटरेस्ट मिल रहे हैं और वो जाहिर है कि सूद का काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, दोनों हाथों से मुनाफे समेट रहे हैं ये बैंक। और इस माली साल की तीसरी सहमाही यानी जुलाई से सितंबर तक मुल्क के 4 बड़े प्राइवेट बैंक जिनके रिजल्ट्स अभी आए हैं, उन्होंने तमाम अखराजात और टैक्स की अदायगी के बाद तकरीबन 20 अरब रुपये का खालिस मुनाफा रिपोर्ट किया है। ज़बरदस्त मुनाफे बैंकों के हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस साल 1 जुलाई से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक से 1758 अरब रुपये कर्जा लिया, यानी कमर्शियल बैंक्स ने अकाउंट्स होल्डर को सेविंग डिपॉजिट पर 5 से 6% मुनाफा दिया और करंट अकाउंट्स पर कोई प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन यही रकम हुकूमत को बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स की सूरत में देकर 12 से 13% तक मुनाफा कमाया। HBL ने पिछले 3 माह में 4 अरब 90 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल इस अरसे में बैंक के मुनाफे से 192% ज़्यादा है। UBL ने इस सहमाही में 5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल इस अरसे में बैंक के मुनाफे से 42% ज़्यादा है। MCB ने 3 माह में 5 अरब 60 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल इस अरसे में बैंक के मुनाफे से 23% ज़्यादा है। अलाइड बैंक ने 3 महीनों में 3 अरब 32 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल इस अरसे में बैंक के मुनाफे से 17% ज़्यादा है। तश्वीशनाक बात है कि 13.25% गैर मंतकी शरह सूद की वजह से प्राइवेट सेक्टर में बैंकों से कर्जा लेके नए कारोबार का आगाज़ और नई सनतें लगाने का रुझान कम से कम होता जा रहा है, मगर बैंकों की इसकी परवाह नहीं है क्योंकि उनके पास हुकूमत एक बेहतरीन क्लाइंट की हैसियत से मौजूद है। दिलचस्प सूरत हाल, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान के नामवर बैंककार हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मुनीर कमाल, जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर कमाल साहब। ऐसे तो पाकिस्तान में हम रोना रो रहा है कारोबार और मीशत और हर सेक्टर नहीं लेकिन बाहर, मगर जो वारे न्यारे बैंकों के हैं ये किसी और सेक्टर के नहीं है। अरे ये देखने की ये बात है खान साहब, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2010 में हमारा कुछ 70% लेंडिंग डिपॉजिट रेशो था, जिसका मतलब है कि जो हमारे डिपॉजिट से 70% हम लेंडिंग कर रहे थे, लेकिन वो फिर बदतरीज कम होता गया 2010 से और 2015 में सिर्फ 50% रह गया। उसका मतलब ये है कि 50% तो हमने लोन दिया और 50% जो है वो बाकी में और ज़्यादातर वो गया गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, ये 2015 तक हो चुका था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुआ, पिछले साल के मुताबिक पिछले साल 53.5% था, लेकिन ये जो साल ख़त्म हुआ है 2019 का उसमें 54% है। तो हमारी लेंडिंग पहले भी कम थी, अब भी कम है, कोई नई चीज़ नहीं हुई बल्कि 1% से बढ़ा ही है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं
उसका फ़ायदा बैंकों को हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप खान साहब, ये तो पहला आपने देखा है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, आप 2008 में देख लें जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे या उससे बाद बढ़े थे, उसके लामवाला बाद में ये बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो दो रीज़न्स की वजह से आज की बैलेंस शीट अच्छी है कि 54% लेंडिंग डिपॉजिट रेशो मीन्स लिक्विडिटी का कोई मसला नहीं है। कल को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो बैंकों के पास बड़ी आसानी से ट्रेजरी बिल को कन्वर्ट करके वो लेंडिंग कर सकते हैं, एक तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की इस वक्त अच्छी है, वो भी काम आएगी जब फ्यूचर में लेंडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो जाहिर है वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो बैंकों के पास सरमाया है ये डिपॉजिटर का सरमाया है, तो अब बैंक जब इस तरह का स्प्रेड ले रहा है तो जो उसका डिपॉजिटर है उसको एवरेज जो वो दे रहा है उसके डिपॉजिट पे, उसका अगर हम मुकाबला करें वो जो मुनाफा वो हुकूमत से कमा रहा है तो उसमें तो बहुत बड़ा फर्क नज़र आ रहा है। जी उसमें सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, हुकूमत से तो कमा ही रहा है। वो आपने बिल्कुल शुरू में सही बात की थी कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिस्क है, रिस्क है ही नहीं एक किस्म का सॉवरेन। लेकिन जो एक ख्याल कीजिए जो काइबोर भी है, काइबोर भी है जो प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग है, उसका भी इंटरेस्ट कोई 5-6% से बढ़ चुका है कंपेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज आपका डिस्काउंट रेट ज़्यादा गया है। और आप सही कह रहे हैं कि Hi, it's Sayed Aishanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.